हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें इम्पोर्टेंट हो उन सभी को डिस्कस करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है 1857 की क्रांति। दोस्तों, हमने इसका एक पार्ट बना दिया है और उसमें हमने डिस्कस किया है, इसकी एक भूमिका बनाई है कि क्रांति किसी एक दिन का तो कारण है नहीं कि किसी के मन में आया और कोई क्रांति कर देगा। तो एक पूरी भूमिका बनाई है इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्री, मेंस, ऑप्शनल सब जगह इस क्रांति से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनते हैं, इसलिए हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, आज जो है हमारा पार्ट टू है, 1857 की क्रांति का पार्ट टू है। तो इसके मुख्य कारणों के बारे में आज हम जानेंगे। 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला कारण था सामाजिक कारण। क्या था? सामाजिक कारण। नेक्स्ट था हमारा राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण। नेक्स्ट है प्रशासनिक कारण और धार्मिक कारण। इन सभी घटनाओं में जो भी व्यवस्था दुर्व्यवस्था थी, इन्हीं सब चीजों का परिणाम था 1857 की क्रांति। अच्छा, अब हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये 1857 में ही ये सारे कारण जन्म लेते हैं। ये जो हम छह कारण पढ़ रहे हैं, सामाजिक, राजनीतिक, तो ये सारे कारण 1857 में जन्म नहीं लेते हैं कि हाँ 1857 में ही इतनी ज्यादा इसमें दुर्व्यवस्था आ गई कि इसे हमें क्रांति का रूप देना पड़ा। दोस्तों, ये चीजें बहुत पहले से चली आ रही थी, 100-150 सालों से। सामाजिक, राजनीतिक, ये सब जो कारण बन रहे थे, ये 100-150 साल से बन रहे थे। अब बात आती है, जब ये 100-150 सालों से बन रहे थे तो उस समय क्यों नहीं विद्रोह हुआ? क्योंकि उस समय लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहता था, लोग इतना सोचते नहीं थे। 1857 में एक ऐसी घटना होती है जो आग में घी का काम करती है। ये सारे जो कारण है क्रांति के, इससे आग तो लग चुकी थी, लेकिन जो तत्कालिक कारण था, चर्बी वाले कारतूस, ये तत्कालिक कारण था। तो यही एक ऐसा कारण था जिसने आग में घी का काम किया और फलस्वरूप 1857 की क्रांति हुई। तो अब हम एक एक करके सभी कारणों को डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक कारण। क्या देखेंगे हम? राजनीतिक कारण। इसमें जो सबसे ज्यादा राजनीतिक कारण में दुर्व्यवस्था लाया था, वो लाया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। इसने क्या किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थ्योरी लाई। कौन सी थ्योरी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत का सिद्धांत। इसमें इसने तीन नीतियों अपनाई और लोगों से उनके राज्य को हड़पने चालू कर दिया। इसे हड़प नीति, इसने ही हड़प नीति की शुरुआत की थी। हड़प नीति, विलय नीति, ये सब लॉर्ड डलहौजी का ही है। तो सबसे पहले इसने किया क्या? इसने लोगों से गोद लेने, भारतीय राजाओं से गोद लेने का अधिकार छीन लेता है। भारतीय राजाओं से गोद लेने का अधिकार छीन लेता है और उनसे कहता है कि अगर आपका कोई बायोलॉजिकल वारिस नहीं है, अगर आपका कोई बायोलॉजिकल उत्तराधिकारी नहीं है, तो आपका राज्य अब हमारा हो जाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप किसी और को गोद लेके उसे राजा बना दो। जबकि ये चीजें बहुत पहले से ही भारत में चली आ रही थी कि जिनके संतान नहीं रहते थे उत्तराधिकारी, वो अपने ही राज्य में से किसी को गोद लेते थे या जो भी उन्हें प्रिय हो उसे राजा घोषित कर देते थे। तो इसने कहा अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब आप लोग के पास अगर अपना वारिस नहीं है तो अब वो राज्य हमारा होगा। इस तरह इसने सतारा, झांसी और जैतपुर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। दूसरा काम इसने क्या किया? तो इसने लगाया था कुशासन का आरोप लगा के अवध के नवाब को कलकत्ता भेज देता है। अब क्या ये बात सही है कि अवध के नवाब जो वाजिद अली शाह थे उन्हें क्या शासन करने नहीं आता था? दोस्तों, एक पॉलिसी थी, अवध के नवाब जो थे उन्हें पोइट्री में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। अवध के नवाब पोइट्री में इंटरेस्ट लेते थे और अवध में आर्ट और आर्किटेक्चर को भी बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता था। लोग वहां पर इन सब चीजों में काफी खुश थे। तो सबसे पहले आते हैं अंग्रेज और वाजिद अली शाह से कहते हैं कि भाई एक काम करते हैं, आप तो अपना समृद्ध हो, हम क्या करते हैं कि आपके आसपास छोटे छोटे राजा भी हैं। वाजिद अली बोले हाँ ठीक है, हैं राजा हमारे यहाँ, वो विद्रोह भी कर सकते हैं,
वाजिद अली बोले हाँ सही बात है, विद्रोह तो कर ही सकते हैं। तो बोले कि ठीक है, हम आपको क्या करते हैं, अपनी एक मिलिट्री आपके यहाँ बना देते हैं, जब भी आपको जरूरत होगी आप हमसे, हम भेज देंगे अपनी मिलिट्री लड़ाई के लिए। बोले ठीक है अच्छी बात है, लेकिन बदले में आप क्या लेंगे? अंग्रेज बोले बदले में हमें कुछ पैसे दे दीजिएगा। ठीक है, बात यहाँ तक समाप्त नहीं हुई। अब अंग्रेज बोले ये बताइए, जब आपका आपके ऊपर कोई हमला होगा तो ये बात हमें बताएगा कौन, ये बात हमें बताएगा कौन? उन्होंने कहा हाँ ये भी सही है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, अवध में अपना एक रेजिडेंट बना देते हैं, अवध में एक अपना रेजिडेंट बना देते हैं। और इस तरह अवध में अंग्रेजों ने 1802 में एक रेजिडेंस बना दिया। अब क्या होता था कि एक तरह से अंग्रेजों की मिलिट्री अवध में आ गई, और वो सारी बातें बताते थे, इंग्लैंड इंग्लैंड भेजते थे लेटर लिख लिख के कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, रेजिडेंस में जो सुप्रीम पावर थी उसने कहा कि यार ये अवध का जो वाजिद अली शाह है ये तो पोएट्री में मस्त है, इसको मतलब झूठा इल्जाम लगाना चालू किया कि इसे तो मतलब पब्लिक वर्क्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अपना गाना बजाता है और गाना गाता है, यही सबसे इसका काम चल रहा है। जबकि अंग्रेजों का मानना क्या था कि जो शासन है उसमें या तो हम युद्ध करेंगे, एक राजा का काम या तो युद्ध करना होता है या तो लोगों की सेवा करना, और ये कहाँ से गाना वाना गा रहा है, आर्ट और आर्किटेक्चर में जा रहा है। तो उसने क्या किया कि कहा कि अब तुम शासन नहीं चला सकते, आप यहाँ से चले जाओ, और कुशासन का आरोप लगा के भेज देता है। दोस्तों अवध में आर्ट आर्किटेक्चर पोएट्री ये सब बहुत अच्छी चीजें थी, बहुत अच्छे से व्याप्त थी वहां पे, लेकिन जब वाजिद अली शाह चले जाते हैं तो वहां की जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश रहता है। और यही कारण रहता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी लगभग अवध की, 75% मेल पॉपुलेशन उसमें भाग लेते हैं, अवध के 75% मेल पॉपुलेशन उसमें भाग लेते हैं, यही सब रीजन रहता है। अब अवध के नवाब को कलकत्ता भेज दिया जाता है, और 75% ऑफ टोटल मेल पॉपुलेशन 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं अवध के। तीसरा क्या था, लॉर्ड डलहौजी ने पहले ही बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट थे ये बहादुर शाह जफर, इनको कहा कि आप जो है मुगल सम्राट के अंतिम राजा हो, इनको कहा कि आप मुगल सम्राट के अंतिम राजा हो, आपके बाद जो आपका पुत्र रहेगा वो सिर्फ एक प्रिंस कहलाएगा, वो आपका उत्तराधिकारी नहीं होगा। और ऐसा कह के उनको भी परेशान कर दिया, दिल्ली को भी परेशान कर दिया, बहादुर शाह जफर भी परेशान हो गया। तो ये भी एक रीजन था कि बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति को सपोर्ट किया। ठीक है, तो यहाँ से कारण तो ये बना कि राजा और शासक इस क्रांति में क्यों कूदे। लोग कहते हैं कि ये एक सिर्फ सैन्य विद्रोह था, ये सिर्फ सैन्य विद्रोह नहीं था, ये विद्रोह पूरे ओवरऑल इंडिया में था, और हर एक इंसान अंग्रेजों से परेशान था, सिर्फ सिपाही ही नहीं परेशान थे। दूसरा, इसने क्या गलत काम किया, डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की, डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की और 35 जागीरों का निरीक्षण करके 20 जागीरों को जब्त कर लिया। 1854 में 35 जागीरों का निरीक्षण करके 20 जागीरों को जब्त कर लिया। इससे भी लोग परेशान थे कि हाँ यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, हमारी जागीरें छीन लिया। तो इस तरह से और भी लोग इस क्रांति में शामिल हुए। तीसरा क्या था, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र को इसने पेंशन देने से मना कर दिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र को पेंशन देने से इसने मना कर दिया। और कर्नाटक, सूरत और तंजौर में राजाओं की उपाधियों का अंत कर दिया। तो ये सब कारण थे कि राजा और प्रांतों के शासक भी इस क्रांति में आगे आए, उन्होंने भी इस क्रांति में भाग लिया, ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था। अब हम बात करेंगे आर्थिक कारण, क्या हम बात करेंगे आर्थिक कारण। तो अंग्रेजों का जो आर्थिक शोषणकारी नीतियां थी वो भी इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण थी, अंग्रेजों की शोषण की जो नीतियां थी वो भी इस विद्रोह का प्रमुख कारण थी। इन्होंने भू राजस्व में शोषणकारी व्यवस्था को लागू किया, और अकाल पड़ने पर भी लोगों से लगान लेते थे। ये क्या करते थे, सूखा बाढ़,
अकाल पड़ने पर भी लोगों से लगान लेते थे, और जब लोग महाजनों को कर्ज नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। तो किसान इस चीज से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, किसानों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। दोस्तों इसके पहले हम जानेंगे लघु और कुटीर उद्योगों का भी विनाश कर दिया था इन्होंने। लघु और कुटीर उद्योगों का विनाश कर दिया था। ये क्या करते, इंग्लैंड से तैयार माल को भारत में ले आते, इंग्लैंड से तैयार माल को भारत में ले आते, और यहाँ से धातु को, बुलियन को इंग्लैंड ले जाते। इससे यहाँ का हस्तशिल्प बर्बाद हो गया। इसकी वजह से किसान और कारीगर बहुत परेशान थे, और वो भी इस क्रांति में शामिल होते हैं। किसान और कारीगर परेशान हो जाते हैं, वो भी इस क्रांति में शामिल हो जाते हैं। थोड़ा सा कुछ डेटा देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। पूरे वर्ल्ड का जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग था, पूरे वर्ल्ड का टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो है 1750 में भारत 27% करता था। 1750 में मैन्युफैक्चरिंग भारत में 27% होती थी, और 1800 में ये 3% घट जाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग 3% घट जाता है, और 1900 में आते आते ये सिर्फ 3% बचता है। तो इस तरह, इस कदर ब्रिटिश भारत का शोषण कर रहे थे। वैसे दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी सिद्धांत दिया था, ड्रेन वेल्थ थ्योरी दिया था। इन्होंने बताया था कि ब्रिटिश के आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी इन्होंने। इस धन निकासी सिद्धांत में इन्होंने ब्रिटिश के आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी। इससे लोगों में थोड़ा सा और जागरूक हुए लोग कि हाँ, भारत से अंग्रेज हमारा पैसा बाहर ले जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक कारण के बारे में। किसके बारे में? धार्मिक कारण के बारे में। तो धार्मिक कारण में जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि यहाँ पे लाया गया कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट। क्या लाया गया था? कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट। इस एक्ट में होता क्या था, अंग्रेज क्या किए, ये ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों का प्रयोग किए। इन्होंने कहा कि भाई, भारत में राज्य करने का मतलब है कि भारत को ईसाई बना देते हैं, भारत को एक ईसाई राज्य बना देते हैं, तो हमें राज्य करने में आसानी होगी। और इन्होंने कहा, यदि कोई पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं होना चाहता है, अगर कोई पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं होना चाहता तो वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर ले। अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर वो ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करता है, तो उसे अपने पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी। तो ये एक धार्मिक कारण था कि लोगों के धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे थे अंग्रेज, कि आपको पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी, आप जबरदस्ती उनको अलग अलग धर्म को चेंज करवा के ईसाई में कन्वर्ट कर रहे थे। दूसरा कारण क्या था, इन्होंने सैनिकों से कहा कि हम जब चाहे आपको जहां चाहे वहां भेज सकते हैं, जब चाहेंगे जहां चाहेंगे वहां भेज देंगे। तो उस समय ये क्या करते थे, उन्हें कहीं भी भेज देते थे। समुद्र पार करने के लिए बोला जाता था कि समुद्र पार करके आप दूसरे देश में जाओ, और उस समय हमारे हिंदू धर्म में समुद्र पार करने को पाप समझा जाता था। हमारे हिंदू धर्म में समुद्र पार करने को पाप समझा जाता था। इस वजह से सिपाहियों को लगा कि ये तो हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। चलो ठीक है, सारी नीतियां तो ठीक है, लेकिन भारत में जब बात धर्म की आ जाए तो हम जानते हैं कि कैसा लोगों के अंदर आक्रोश जागता है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे सामाजिक कारण। क्या देखेंगे? सामाजिक कारण। इसमें होता क्या है, हम जानते हैं कि विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी ने हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए, जो यहाँ की रीतियां थी उन्हें दूर करने के लिए कानून बनाया, और सती प्रथा, कन्यावाद, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इन सब चीजों का समर्थन कर दिया। तो इससे क्या हुआ, भारत में जो रूढ़िवादी लोग थे उनका गुस्सा अंग्रेजों के प्रति बढ़ गया। भारत में जो रूढ़िवादी लोग थे उनका गुस्सा भी अंग्रेजों के प्रति बढ़ गया। और दूसरा रीजन क्या था सामाजिक रीजन में, कि यूरोपी जो अधिकारी होते थे वो भारतीयों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे, उन्हें काले या सुअर की संज्ञा देते थे, उन्हें होटलों और क्लबों में प्रवेश
नहीं दिया जाता था, उनके साथ बहुत ही ज्यादा अपमानजनक बिहेवियर किया जाता था। इसके बारे में तिलक जी ने कहते हैं कि कोई भी आत्मसम्मान युक्त जाति, कोई भी आत्मसम्मान युक्त जाति इसे 1 घंटे के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगी। यूरोपियों का भारतीयों के साथ जो व्यवहार था उसे कोई भी आत्मसम्मान युक्त जाति 1 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रशासनिक कारण के बारे में। किसके बारे में? प्रशासनिक कारण के बारे में। इसमें होता क्या था कि ऊंचे पद पर सिर्फ अंग्रेजों को रखा जाता था, ऊंचे पद पर सिर्फ अंग्रेजों को रखा जाता था, वहां पर भारतीयों के लिए कोई नहीं, कोई जगह नहीं थी। भारतीयों को छोटा मोटा पद दे दिया जाता था। जैसे भारतीयों को अगर सैनिक की बात करें कि सैनिक में जो सबसे ऊंचा पद था वो सूबेदार का पद था। सैनिक, भारतीय सैनिकों के लिए जो सबसे ऊंचा पद था वो सिर्फ सूबेदार का पद था, जिसमें 60 से 70 रुपया मासिक वेतन मिलता था। 60 से 70 रुपया मासिक वेतन मिलता था। और अगर बात करें असैनिक पद की, तो इसमें आमीन का पद था, जिसमें 500 रुपये पर मंथ का वेतन मिलता था। अब खर्च इतना ज्यादा रहता है कि इससे संतुष्टि हो पाना तो नामुमकिन था, इस चीज से संतुष्ट हो पाना नामुमकिन था। ये भी एक तरह से प्रशासनिक कारण बना इस विद्रोह का। और जो हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसने इसमें, इस आंदोलन में, इस क्रांति में आग में घी का काम किया, वो था सैनिक कारण। वो क्या है? सैनिक कारण। इसमें होता क्या है कि 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर के युद्ध में जब सिपाही धोखा दे देते हैं मीर कासिम के विरुद्ध लड़ते हुए, मुनरो की एक सेना ने बटालियन नवाब की सेना में मिल जाती है। मुनरो की सेना जो है वो नवाब की सेना, हेक्टर मुनरो की सेना नवाब की सेना में मिल जाती है। तो उससे क्या होता है कि उन सैनिकों पर मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें तोपों से उड़ा दिया जाता है, तोप से उड़ा दिया जाता है। यहाँ के सिपाही तो ऐसे ही गुस्सा थे। दूसरा विद्रोह क्या हो जाता है 1806 में। 1806 में वेल्लोर में प्रथम सैन्य धार्मिक विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह होता है। हुआ क्या था इस विद्रोह में? यहाँ के जो सैनिक थे वो माथे पर तिलक और पगड़ी लगाते थे, पगड़ी बांधते थे, माथे पर तिलक लगाते थे और पगड़ी बांधते थे। उनसे कहा गया अब आपको ये काम नहीं करना है, आपको हैट लगाना होगा। तो एज आई थिंक कि हैट लगाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम हैट लगाने से नहीं थी, प्रॉब्लम इस चीज से थी कि उनके धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे थे अंग्रेज। उस हैट में चमड़े का तुर्रा लगा था, उस हैट में चमड़े का तुर्रा लगा था और पंख लगा था। और ये जो चमड़े का तुर्रा था ये गाय और सूअर के मांस से बना था। हम जानते हैं कि हिंदू धर्म के लोगों को गाय के मांस से प्रॉब्लम थी कि भाई गाय हमारी माता है, आप उनको कैसे कर सकते हो, और मुस्लिमों को सूअर के मांस थे। तो इस तरह दोनों धर्म के लोगों ने इस चीज का विद्रोह किया। अब हम बात करेंगे सैनिकों को कहीं भी जाने की स्वीकृति मानने के लिए मजबूर किया गया। ये हम आगे बात कर चुके हैं कि उन्हें समुद्र पार करके बाहर भेजने के लिए कहा जाता था, जो कि धार्मिक रूप से वर्जित था। तो ये भी एक कारण था। हमारा लास्ट रीजन क्या था? लास्ट रीजन था हमारा कि 1854 में, 1854 में लॉर्ड डलहौजी लेके आता है डाकघर अधिनियम। 1854 में लॉर्ड डलहौजी डाकघर अधिनियम इंट्रोड्यूस करता है भारत में। इसमें सैनिकों को जो निशुल्क डाक सुविधा दी जाती थी, सैनिकों को जो निःशुल्क डाक सुविधा दी जाती थी उसे समाप्त कर दिया गया। हम गवर्नमेंट जो सैनिकों को निःशुल्क डाक सुविधा देती थी उसे समाप्त कर दिया गया। तो ये भी एक कारण बना था कि सैनिक बहुत ज्यादा दिन से गुस्सा थे कि हाँ अंग्रेज हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं और समय आने पर हमें इसका विद्रोह करना चाहिए। और वो समय आया कब? समय तब आया जब उसका तत्कालिक कारण शुरू होता है 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में पुरानी लोहे की ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर, न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय करते हैं अंग्रेज। अंग्रेज कहते हैं कि अब हम
ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग करेंगे। तो इसमें विद्रोह करने वाली क्या बात थी? विद्रोह करने वाली यही बात थी कि इस राइफल में जो कारतूस लगता था, राइफल में जो कारतूस लगता था उसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, उसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। और वहां पर ये कारतूस चर्बी वाले थे। कैसे थे? चर्बी वाले कारतूस। फिर एक बार अंग्रेज खिलवाड़ करते हैं भारतीयों के धर्म के साथ, और इस कारतूस में गाय और सूअर का मांस लगा रहता है। इस कारतूस में गाय और सूअर के मांस का प्रयोग हुआ रहता है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों को प्रॉब्लम होती है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को इस चीज से प्रॉब्लम होती है, इस कारतूस से, और विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। शुरुआत में दमदम के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। शुरुआत में दमदम के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और उन्होंने कहा कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद 26 फरवरी को बहरामपुर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा हम भी इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। बहरामपुर के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट विद्रोह किया था, जो मतलब सबसे ज्यादा प्रचलित है और जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ, जिसको तत्कालिक कारण माना जाता है, जिसने आग में घी डालने का काम किया था, वो था बैरकपुर के सैनिकों में। बैरकपुर के सैनिकों में 29 मार्च 1857 को विद्रोह किया। बैरकपुर के सैनिकों में 29 मार्च 1857 में विद्रोह किया। और इसमें एक सैनिक थे मंगल पांडे, जो यूपी के गाजीपुर से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? यूपी के गाजीपुर से। इन्होंने विद्रोह किया और साथ ही लोग विद्रोह करने का मतलब प्रयोग करने से मना करते थे। इनका विद्रोह जो था थोड़ा वायलेंट हो गया। मंगल पांडे का विद्रोह थोड़ा वायलेंट, क्या इसे कह सकते हैं, अंग्रेजों के हिसाब से बहुत ज्यादा वायलेंट, क्योंकि जैसी नीतियां वो हम लोग के साथ कर रहे हैं, अगर ऐसा हम उनके साथ कर दें तो ये उनके हिसाब से बहुत ही ज्यादा गलत था। इन्होंने किया क्या? मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी। एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट ह्यूर्सन को गोली मार दी। मेजर सार्जेंट ह्यूर्सन को गोली मार दिया। अब ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिया इन्होंने। इसके लिए इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। उसके बाद होता क्या है, जब इन्हें फांसी दे दी जाती है, तो 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसमें कुल 99 सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिन्हें 9 मई 1857 को 45 को बर्खास्त करके 10 साल की सजा सुनाई गई। 99 में से 85 को बर्खास्त करके 10 साल की सजा सुनाई गई। अब ये तो बहुत ज्यादा अपराध हो रहा है सैनिकों से, कि मतलब आप एक तो गलत काम कर रहे हो और ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप हमें ही बार बार किसी को फांसी पे चढ़ा दे रहे हो, सजा दे रहे हो 10 साल की। दिस इज नॉट फेयर। तो होता क्या है कि 10 मई 1857 को मेरठ की पूरी सेना निकलती है, छोड़ के सब कुछ, और चली जाती कहाँ? दिल्ली। कहाँ चली जाती है? दिल्ली। दिल्ली में मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। 11 मई को ये सेना दिल्ली पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो बहादुर शाह से कहते हैं, अब हम जानते हैं कि किसी भी क्रांति के लिए एक नेता का होना जरूरी है। सैनिकों ने अपने आप में से किसी को नेता नहीं चुना, वो चले गए दिल्ली और वहां पे बहादुर शाह जफर से कहते हैं कि आप हमारे नेता बन जाओ, आप हमारे इस क्रांति के नेता बन जाओ। बहादुर शाह जफर मान जाते हैं। इस बात को बहादुर शाह जफर मान जाते हैं और 12 मई को सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर कर दिया। 12 मई को दिल्ली को अंग्रेजों से छुड़ा कर अपना अधिकार कर लिया। ये तो बात हो गई कि अब ये क्रांति शुरू हो चुकी थी। ये क्रांति 1857 की क्रांति पूरी तरीके से शुरू हो चुकी थी। अब सैनिकों का एक ही काम था कि अब हम अंग्रेजों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेंगे, इन्हें भगा देंगे अब भारत से, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा
फिर अब ये क्रांति एक जगह शुरू हुई, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरठ के लोगों को इससे प्रॉब्लम थी, बहुत सी जगह के लोगों को इससे प्रॉब्लम थी। तो हर दिन ये क्रांति का स्वरूप बढ़ता जाता था। 4 जून को ये क्रांति लखनऊ हुआ, झांसी में शुरू हुई। फिर 5 जून को 5 जून 1857 को कानपुर में शुरू हुई। इसी तरह ये क्रांति धीरे धीरे बढ़ता रहा। फिर बंगाल, बिहार, सब जगह क्रांति होने लगी। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। अब इसके आगे जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, कि किस क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया था, इस क्रांति का नेतृत्व किस क्षेत्र में किसने किया था। दोस्तों, कुछ लोग तो अंग्रेजों का साथ भी दे रहे थे, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जितने नेतृत्वकर्ता थे 1857 की क्रांति के, उनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि लोगों ने क्यों विद्रोह किया और कहाँ कहाँ ये विद्रोह कब कब शुरू हुआ। जैसे दिल्ली में नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। बात करें कानपुर की, तो कानपुर का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब। याद करिए, इन्हीं की पेंशन को बंद कर दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। बात करें झांसी की, तो यहाँ पर विद्रोह किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, क्योंकि इनके पुत्र को राजा नहीं बनने दिया गया था, इनसे गोद प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। बात करें बनारस की, तो वहां पे लियाकत अली ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी तरह बिहार, बिहार का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार में जो नेतृत्व किया था, वो किया था कुंवर सिंह ने, उन्हें बिहार का शेर भी कहा जाता है। और बात करें लखनऊ की, तो वहां का विरोध किया था बेगम हजरत महल ने। दोस्तों, इसी तरह हम एक एक किस किन लोगों ने विद्रोह किया था, किस किस क्षेत्रों में, और कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स भी लिखी गई हैं इसके बारे में 1807, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, उनके बारे में भी जानेंगे। और उसके बाद इस युद्ध का, इस क्रांति का परिणाम क्या था, उसके बारे में भी जानेंगे पूरे डिटेल में, ठीक है। और इस क्रांति का दमन किसने किया। तो इसी के साथ हम अपने इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इसके आगे हम बात करेंगे पार्ट 3, ठीक है। थैंक यू सो मच।